वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8th क्लास। मैंने लास्ट क्लास में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसका स्टडी कराया था। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इससे पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। ये मेटल्स की है, जिसे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में मेटल्स को शो किया है, जिसका फुल नेम मैं आपके सामने शो करूंगी। के जिसे हम पोटेशियम बोलते हैं, एन ए जिसे हम सोडियम बोलते हैं, सी ए जिसे हम कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, ए एन एल्यूमिनियम, जेड एन जिंक, एफ ई आयरन, पी बी लेड, सी यू कॉपर, एच जी मर्क्यूरी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मैंने इसको इस सीरीज में अरेंज किया है कि ऊपर से नीचे आने पर इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन मेटल्स की देखते हैं विद ऑक्सीजन। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल, अगर हम इसमें से कोई भी मेटल लेते हैं, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम लिया तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम लिया तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से आपका मेटल के आगे बस वही मेटल की जगह आपको उस मेटल का नाम लिखना है और दूसरा ऑक्साइड हो जाएगा। इसका जैसे एक एग्जांपल है विद सोडियम। सोडियम को हम एन ए सिंबल से शो करते हैं। तो अगर हम एन ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बना Na2O, जिसे हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम आप देख रहे हैं, ये वाला जो सोडियम है रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है? ऊपर है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो सोडियम बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। फास्टली रिएक्ट करने की वजह से ये तुरंत रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। एक चीज और जानिए कि जो सोडियम होता है वो इतना फास्टली रिएक्ट करता है और इतना विग्रस होता है कि एयर के सीधे एक्सपोजर होने पर वो फायर कैच कर लेता है और जल जाता है। इसी वजह से हम सोडियम को ऑलवेज केरोसिन के अंदर रखते हैं। सेकंड है विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एम जी की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है MgO, लेकिन आप देख रहे हैं सोडियम से नीचे आता है Mg, इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज इससे क्या होगी? कम हो गई। अगर रिएक्टिविटी कम हो गई इसकी तो ये सीधे तो रिएक्ट करेगा नहीं। हम क्या करेंगे, जब Mg को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो MgO की मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनेगी? एश बनेगी। इसी तरह से हम और मेटल भी ले सकते हैं। जैसे हमने मेटल ले लिया Zn, जिसे हम बोलते हैं जिंक। जिंक की अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमारी जिंक ऑक्साइड बनता है। लेकिन अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में और भी नीचे आता है, इसका मतलब रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसके लिए हीटिंग की जरूरत पड़ी थी, इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये आपका इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जब भी मेटल कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं, नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बच्चों? बेसिक होता है। बेसिक या हम बोल सकते हैं एल्केलाइन। और एल्केलाइन या बेसिक सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, ये ऑलवेज रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं तो हम उसमें लिटमस टेस्ट करते हैं, और लिटमस टेस्ट में जो एसिड होते हैं वो रेड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने बर्न किया, ये मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं
बर्न करने के बाद इसकी एश प्रोड्यूस होती है, मैग्नीशियम एश। इस मैग्नीशियम एश को अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया और वाटर में डिजोल्व करने के बाद जब हमने रेड लिटमस को इसमें ड्रॉप किया डाला तो रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है और ये बताता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और एल्केलाइन इन नेचर। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है ये आप सबने देखा है, रस्ट क्या है ये मुझे बताने की जरूरत है तो नहीं, फिर भी बता रही हूँ मैं आपको। रस्ट आपने देखा होगा जो लोहे की चीज़ें हैं एनवायरमेंट के प्रेजेंस में जब आती हैं, एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो उसमें एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है पाउडर फॉर्म में। तो जो ब्राउन रेड ब्राउन कलर का जो पाउडर फॉर्म डिपोजिशन होता है वही क्या है बच्चों, रस्ट है। या आई एम श्योर दैट इट इज सीन बाय ऑल ऑफ यू, ये सबके द्वारा देखा गया होगा। रस्ट है क्या, अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन पढ़ें तो व्हेनेवर आयरन इज एक्सपोज टू एयर एंड द मॉइस्चर इट इज कन्वर्टेड इन टू द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड रस्ट। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। इसके लिए हमने क्या किया है, एक जार लिया है उसमें वाटर भर के, वाटर फिलअप करके उसमें थोड़ी सी रस्ट डाल दी है। इसका थोड़ा सा पार्ट हमने एक डिश में लिया और लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया जो कि रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही हमें बताता है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अलावा आपका आता है ये हो गया मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे हमने मेटल का पढ़ा था, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो ऑलवेज एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। नेचर इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिफ्रिजरेटेड स्पून लेते हैं, वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें जैसे हमने सल्फर पाउडर लिया, सल्फर पाउडर को नीचे से बर्न किया, बर्न करने के बाद जो सल्फर को बर्न करने के बाद जो स्मोक निकलेगा, ये धुआं निकलेगा, उसको हमने एक जार में लिया और उसको पैक कर दिया। पैक इसलिए किया ताकि उसका धुआं एकदम से बाहर ना निकल पाए। अब हमने स्पून को निकाल दिया और उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद अब जो वाटर डाला और उसमें लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया, तो लिटमस टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। तो कन्वर्जन ऑफ ब्लू लिटमस इनटू द रेड लिटमस इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। यहाँ पर यह हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक है। हमने क्या किया, डुप्लीकेटेड स्पून तो समझ गए होंगे कुछ इस तरह का होता है, एक जार लिया जो गैस जार जिसमें हमने गैस प्रोड्यूसिंग स्पून को उसमें रख दिया और उसको कवर कर दिया ताकि गैस बाहर ना निकल पाए। हमारी गैस कौन सी बनती है, हमने लिया क्या था, सल्फर लिया, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये हमारा बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को हमने क्या किया, गैस जार में डाला, इसको हमने किसमें डाला, गैस जार में, और उस गैस जार में हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, और इस वाटर में हमने क्या किया बच्चों, लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया। लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया, हम जानते हैं कि जब लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा तो इसका मतलब वो क्या हुआ, एसिडिक होगा, और ये वाला टेस्ट यही शो करता है कि इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आप पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ तक समझ में आया। और नेक्स्ट है आपका
रिएक्शन विद केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर। आपका जो सल्फर का जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन जब वाटर के साथ उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है, और वही क्या करता है सल्फ्यूरस एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर लेता है। और हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की विद वाटर के साथ। तो पहले फोर मेटल मेटल के लिए देखेंगे। तो जो मेटल हैं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके क्या बनाते हैं, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब कोई भी मेटल हो आपका, चाहे सोडियम लिया वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी मेटल ऑक्साइड की तरह बेसिक नेचर के होते हैं। ये भी कैसे नेचर के होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के। और बेसिक नेचर क्या करता है आपको अच्छे से पता होगा, थोड़ी देर पहले बता के चुकी हूँ मैं आपको। बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू द ब्लू लिटमस। तो हम किसी भी बेसिक हाइड्रोक्साइड में या किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड में जब भी लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इट ऑलवेज कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू द ब्लू लिटमस। ये आपको समझ में आया। इसके अलावा अब हम पहले सोडियम का पढ़ रहे थे, व्हेनेवर सोडियम रिएक्ट विद वाटर तो ये क्या बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इज अ वेरी रिएक्टिव नेचर, वेरी विग्रस नेचर। तो सोडियम को अगर हम वाटर में रख दें चाहे एयर के डायरेक्ट एक्सपोजर में कर दें तो ये क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा और एक्सप्लोड होके ये बर्न हो जाएगा। और एक्सप्लोड होके बर्न हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ही कांट पुट सोडियम इन टू द वाटर बिकॉज इट विल बर्न। सो वी कैप सोडियम इन सो इट इज कैप इन द वाटर केरोसिन टू प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग। सोडियम इज कैप इन द केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग, बर्निंग से बचाने के लिए इसलिए सोडियम को रखते हैं केरोसिन के अंदर रखते हैं। अब आपने रिएक्शन और देखी है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो ये डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। हमने देखा रिएक्टिव सीरीज में ये ऊपर था, अब नीचे नीचे आओगे मैग्नीशियम, अब ये हॉट वाटर के साथ करेगा, फिर कॉपर पे जाओगे तो ये और रिएक्टिव की सीरीज में नीचे आ जाता है, ये तो और भी कम रिएक्टिव होता है। तो इसको ये जो वाटर की स्टीम है भाप है उसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आता है आपका फोर नॉन मेटल। अब इसी तरह से आपका आयरन है, आयरन भी जो वाटर है वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन आप जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे आता है इसीलिए ये वाटर ये वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह से कॉपर भी होता है आपका, और इसी तरह से ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब आता है आपका फोर नॉन मेटल, फोर नॉन मेटल। एक चीज ध्यान रखना कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो नॉन मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते नहीं है नॉन मेटल, इसीलिए हम उसको किसमें रखते हैं वाटर में रखते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन ना दें और वो बर्न होने से बच जाएं। इसीलिए नॉन मेटल में आपका जो फास्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल सॉरी इज वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल।
so it catches fire when exposed directly to the air. So to prevent from this, we put phosphorus into the water. Phosphorus from water में रखते हैं इसे बचाने के लिए. अब next आता है, एक topic रह गया है इसमें जिसे हमने rusting of iron पढ़े थे, उसी तरह से rusting of copper भी होता है. वही same process है. copper को अगर हम rusting of copper में क्या आता है आपका देखिए, rusting of copper, copper की rusting कब होती है, जब copper को वाटर, CO2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एक्सपोजर कर दिया जाता है तो यहाँ CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3 कॉपर, कॉपर का कार्बोनेट और आपका कॉपर कॉपर कार्बोनेट और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि कॉपर की रस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब आपका कुछ रह गया है आपका, इसमें आपका आता है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद द एसिड एंड यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टडी करेंगे.